नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ओवैस। आइए रुख करते हैं इस वक्त की देश और प्रदेश की मुख्य खबरों की तरफ। उत्तराखंड में बुधवार को कोरोना के नए मरीजों, मौत और रिकवरी के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट गए। प्रदेश में एक ही दिन में 6054 नए मरीज मिले, 108 लोगों की मौत हुई, वहीं 3485 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। राज्य में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए 213 कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं। कोरोना संक्रमण के बीच बढ़ती ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश किया है कि जनमानस की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन सप्लायर्स के सही नंबर उपलब्ध कराएं और दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए उसमें QR कोड दर्ज किया जाए। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विधायकों को उनकी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए तक के कोविड कार्य कराने की मंजूरी दे दी है। विधायक इस निधि से अपने विधानसभा क्षेत्रों में कोविड रोकथाम संबंधी जरूरी व्यवस्थाओं पर 1 करोड़ रुपए खर्च कर सकेंगे। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की मौत पर चिंता जताते हुए हाईकोर्ट ने निजी अस्पतालों और लैबों का तत्काल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत पंजीकरण कर उन्हें RT-PCR जांच के लगाने को कहा है। साथ ही हल्द्वानी, देहरादून और हरिद्वार जैसे शहरों में जहां कोरोना तेजी से फैल रहा है, वहां रोज 30,000 से 50,000 जांचें कराने के निर्देश भी कोर्ट ने दिए हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान ONGC, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के बाद अब कोरोना संक्रमण ने इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी में भी पांव पसार लिया है। यहाँ कई अधिकारी और कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। अधिकारियों कर्मचारियों के संक्रमित पाए जाने के बाद ट्रेनी IFS अधिकारियों के ऑफलाइन प्रशिक्षण पर भी रोक लगा दी गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत 100 रुपये कम कर दी है, जिसके बाद अब उसकी कीमत 300 रुपये प्रति डोज हो गई है। आपको बता दें कि पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपने COVID-19 टीके कोविशील्ड की राज्य सरकारों के लिए कीमत 400 रुपये प्रति खुराक पहले तय की थी, जिससे कि अब 300 रुपये प्रति खुराक कर दिया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली में कोरोना की स्थिति को बिगाड़ने वाले दो प्रमुख मुद्दों पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर पूछा कि दिल्ली में ऑक्सीजन का आवंटन किस आधार पर किया गया है और ऑक्सीजन की कमी को दूर करने की योजना किस प्रकार बनाई गई है और दिल्ली को आवंटित 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कब तक मिलने लग जाएगी। यूपी में कोरोना महामारी से बिगड़े हालात को देखते हुए एक बार फिर हाईकोर्ट ने योगी सरकार से कहा है कि प्रदेश में डॉक्टरों, स्टाफ और ऑक्सीजन की कमी है, ये किसी से छुपा नहीं है। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि आप अपने विवेक का प्रयोग करें, जिससे प्रदेश के हालात सुधारे जा सके। जज ने कहा कि मैं फिर से अनुरोध करता हूं कि अगर राज्य में हालात नियंत्रण से नहीं है तो 2 सप्ताह का लॉकडाउन लगाने में देर न करे सरकार। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से वृद्धि को लेकर लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भी मजदूरों की सुचारू आवाजाही के लिए सरकार द्वारा अपनी महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्ट्रा पुनर्विकास परियोजना के निर्माण कार्य को आवश्यक सेवाओं के दायरे में लाने के लिए विपक्षी नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा है। कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार काजल सिन्हा की पत्नी नंदिता सिन्हा चुनाव आयोग के खिलाफ पुलिस में पहुंच गई है। नंदिता ने बुधवार को पुलिस में शिकायत देकर भारत निर्वाचन आयोग के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। देश प्रदेश की इन खबरों में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए जेजे न्यूज के साथ। नमस्कार।